सब्सक्राइब कीजिए ई पाठशाला के चैनल को और हमारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए बेल के आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। तो हम इक्वालिटी चैप्टर पर ही हैं अभी, और इक्वालिटी चैप्टर के अंदर आज हमारे लर्निंग गोल जो रहेंगे, हम जो सीखेंगे जिनके बारे में, वो हम सीखेंगे मिड डे मील प्रोग्राम क्यों शुरू करेगा सरकार के द्वारा, इंटरनेशनल सिनेरियो जो इनइक्वालिटी को लेके है कि सिर्फ हमारे देश में ही इनइक्वालिटी नहीं है, उसके बाद सिविल राइट मूवमेंट चलाया क्यों गया था, इसका इंटरनेशनल क्या इफेक्ट पड़ा था, वो हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि सरकारी योजनाएं और कार्यक्रम, गवर्नमेंट स्कीम एंड प्रोग्राम। याद रखिएगा, सरकार ना इक्वालिटी बनाने के लिए ना बहुत सारे काम करती है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने जो अपनी किताब के अंदर बात कही है वो 100% बिल्कुल फैक्ट है कि ऐसा होता है। सरकार ने इन्हीं चीज को मद्देनजर रखते हुए अपनी गवर्नमेंट स्कीम के अंदर कुछ चेंजेस लेके आए, और चेंजेस लेके आने के बाद उन्होंने कुछ क्या कहते हैं स्टेप्स लिए, और स्टेप जो थे वो हम देखेंगे कि जिसके बेसिस पे हमारे समाज के अंदर समानता कायम रह सके। जैसे सरकार ने क्या करा, सरकार ने कई योजनाएं और कार्यक्रम चलाया, और ये सिर्फ इन लोगों के लिए चलाया जो समाज से वंचित वर्ग है। ये विश्व विकास और विकास के लिए समाज के पूर्व भेदभाव वाले वर्गों के लिए अधिक अवसर प्रदान करता है। यानी कि जितने भी आज की डेट में मोदी जी या कोई भी गवर्नमेंट शुरुआत से पॉलिसीज बनाती है ना, वो पॉलिसीज इसलिए बनाती है कि जो कैटेगरी हमारे कंट्री के अंदर लाभ नहीं उठा पा रही है और जो अपने आप को बिल्कुल समाज से अलग समझती है, उनको समाज में एक साथ लाना है, इक्वल लाना है, इसके लिए हम लोग पॉलिसी चलाते हैं। जैसे आपने जनधन योजना सुना होगा, आपने क्या कहते हैं राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम सुना होगा। सरकार का मेन मकसद होता है जो देश के अंदर असमानता का शिकार हुए लोग हैं उनको समान लाया जा सके। अब देखिए सरकार ने क्या करा, दोपहर के भोजन की योजना, ये मिड डे मील जो शुरुआत करा गया सबसे पहले तमिलनाडु के अंदर 2001 में शुरू करा गया था। इसमें प्रॉब्लम ये थी कि सरकार द्वारा पेश की जाने वाली महत्वपूर्ण योजनाओं में से सबसे इम्पोर्टेंट योजना थी दोपहर का भोजन। इस भोजन में सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालय में सभी विद्यार्थी को पका हुआ खाना और दोपहर के भोजन के साथ प्रदान किया जाता था, जिसके लिए तमिलनाडु को सबसे पहला श्रेय दिया जाता है 2001 में। इस योजना को शुरू करने का पहला राज्य यही था, और बाद में सरकार ने कहा सर्वोच्च न्यायालय के तहत कि ये योजनाएं सभी स्टेट्स में हमें से शुरू कर देना चाहिए। देखो उसके रीजंस बहुत सारे रीजन थे कि अगर स्कूल में छोटी सी उम्र में बच्चों के साथ भेदभाव हो रहा है, उनको जबरदस्ती पीटा जा रहा है, सफाई करवाई जा रही है, या क्या कहते हैं उनको नीचे बैठाया जा रहा है, तो उसी एज में ही समाज में अगर बच्चों को समझा दिया जाए कि भाई सभी लोग इक्वल हैं, अब सभी लोग इक्वल है अगर इस चीज समझा दी जाएगी तो बहुत आसान हो जाएगा समाज में इनइक्वालिटी को खत्म करना। तो यहाँ पे देखिए बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि अब सरकार इतनी बेवकूफ नहीं है कि इतने सारे लोगों को अब स्कूल एक डिस्ट्रिक्ट में अगर ले हम तो अगर 50 से ज्यादा स्कूल होंगे, उन सारे स्कूल में जो भी गवर्नमेंट अप्रूवल स्कूल है वहां पर मिड डे मील जैसी योजना को चलाना। तो ये मिड डे मील के बेनिफिट्स बहुत सारे थे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ असमानता को खत्म करना ही नहीं था, इसके पीछे बहुत से रीजंस थे जो आप समझेंगे कि सरकार ने मिड डे मील जैसी स्कीम को असमानता खत्म करने के लिए और प्लस पढ़ाई में बच्चों का कॉन्सेंट्रेट बढ़े उसके लिए करा। जैसे आप देखेंगे बेनिफिट्स क्या थे इसके, नंबर वन बेनिफिट्स अगर हम देखें कि स्कूल में बढ़ती उपस्थिति, जब मिड डे मील लोगों को बच्चों को मिलना चालू हो गया तो आप देखेंगे कि स्कूल के अंदर ना बच्चों का आना भी चालू हो गया। इसके अलावा छात्र पहले क्या करते थे, दोपहर का भोजन खाने के लिए घर जाते थे, पहले के टाइम की बात बता रहा हूँ, दोपहर का भोजन खाने के लिए घर जाते थे और खाना खाने के बाद वापस घर ही नहीं आते, स्कूल ही नहीं आते थे। इस योजना के साथ हुआ क्या कि छात्रों ने घर जाना बंद कर दिया और स्कूल में ही वो एक उपस्थित रहने लगे, क्योंकि खाना उनको मिल जाता था। और उसके बाद आप देखेंगे कि अगर पहले मिड डे मील स्कूलों में नहीं मिलता था तो जो एक मजदूर वर्ग महिलाएं हुआ करती थी वो अपने बच्चे को जैसे तैसे करके सुबह तो खाना बना के भेज देती होगी, लेकिन दोपहर का भोजन बनाने के लिए
उनकी माता को अपना काम छोड़ के आना पड़ता था ताकि वो बच्चा खाना खा सके, और जिससे उसकी क्या कहते हैं रोजगार जो भी एक दिन का मिलता था वो भी थोड़ा बहुत वेस्ट होता था और बच्चे की पढ़ाई भी खराब हो जाती थी। इसकी वजह से सरकार ने ये सोच के स्टेप लिया कि यार बच्चों की एक तो नंबर ऑफ क्वांटिटी, अगर स्कूल में बच्चों की नंबरिंग बढ़ती रहेगी ना तो बच्चा कुछ तो सीखेगा, नहीं तो 10 बजे 12 बजे के बाद अगर लंच होने के बाद तो खाना खाने घर चला जाता है और उसके बाद स्कूल नहीं आता है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चा सीखेगा क्या। और दूसरी बात, अगर जो महिलाएं बच्चों को खाना बनाने के लिए घर जाती थी अपने बच्चों के लिए, तो बच्चा खाना खाने स्कूल जाता ही नहीं था क्योंकि थकावट इतनी, फिर धूप इतनी, दोबारा स्कूल कौन जाए, और उनको बताने के लिए भी कोई नहीं होता था कि स्कूल जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखेंगे आप यहाँ पे कि जातिवाद और पक्षपात को खत्म करने के लिए स्टेप लिया गया था, यानी कि जो हमारे कंट्री के अंदर सभी जाति और वर्ग के बच्चों को एक साथ बैठा के खाना खिलाना, भोजन करना, कई मामलों में दलित महिलाओं के लिए भोजन पकाए जाना नियोजित किया जाता था, इसमें कुछ हद तक जो भी क्या कहते हैं पक्षपात होता था उसको कम करने में मदद मिलती थी। यानी कि अगर सपोज मानो कि एक बच्चा जो दूसरे बच्चे के साथ खाना खाना पसंद नहीं कर रहा, खेलना पसंद नहीं कर रहा, लेकिन जब मिड डे मील जैसा प्रोसेस चालू करा गया तो खाने के लिए लोगों ने शेयरिंग और केयरिंग करना चालू करा, लोग खाने के लिए पास में आए और पास में आने की वजह से थोड़ी बहुत असमानताएं खत्म हुई। जिन बच्चों को दोपहर का भोजन खाना खाने के लिए घर जाना पड़ता था अब वो स्कूल के अंदर ही रह रहे हैं, स्कूल के अंदर रह रहे हैं तो वो क्या कहते हैं खाना भी खा रहे हैं पेट भर के और दोस्तों के साथ मिल भी रहे हैं, और मिल रहे हैं तो बातचीत बढ़ रही है, बातचीत बढ़ रही है देन खाना खाने के बाद उनका कॉन्सेंट्रेट जो होता है पढ़ाई में बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं आज की रेट में भी कि जो सुबह खाना खा के नहीं जाते, वो सुबह जो लाइट खाना था खा लिया, नहीं खाया तो वो भी चाय पी के स्कूल चले गए। और इससे होता क्या, इससे प्रॉब्लम ये होती है कि आप पढ़ रहे होते हो ना तो आपकी कॉन्सेंट्रेशन जो होती है पावर बहुत लो हो जाती है, नींद आती है, शरीर टूट रहा होता है, एंड देन जब रिसर्च होती है, रिसर्च होने के बाद एक दो रोटी खाई, थकावट इतनी तगड़ी, टीचर्स पढ़ाने आ रहे हैं आप सो रहे हो, ये जेन्युइन रीजन है। इसीलिए सरकार ने क्या करा कि मिड डे मील जैसा प्रोसेस स्टार्ट किया, और स्टार्ट करने के बाद बच्चे जो जो दलित समाज बोल लो या निचले वर्ग के बच्चे बोल लो, उनको खाना खाने के लिए घर नहीं जाना पड़ता था, महिलाओं को दोबारा उनका खाना बनाने के लिए नहीं आना पड़ता था, और बच्चे अगर खाना खा रहे हैं तो उनका कॉन्सेंट्रेशन स्टडी को लेके बहुत बढ़ गया। तो देखो, एक तीर दो निशाने, समानता भेदभाव असमानता एक तो उसे खत्म करना, और दूसरा जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं जिनको एजुकेशन ढंग से मिल नहीं पा रही है उनको भी कॉन्सेंट्रेट करवाना कि भाई पढ़ाई की वैल्यू है। अब देखो, अगर ये वर्ग शिक्षित होगा तो सिंपल सी बात है आने वाले समय में यही लोग तो डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी को खत्म करेंगे, क्योंकि यही वर्ग अगर शिक्षित हो जाएगा तो असमानता पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो अब देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ हमारी कंट्री के अंदर ही ये चीजें स्टार्ट हुई, कंट्री से बाहर भी हमें देखने को मिला। भारत एकमात्र ऐसा देश नहीं है जहाँ पे समानता के लिए संघर्ष करना पड़ा, दुनिया में कई ऐसे लोकतंत्र देश है जहाँ पर समानता एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका है जिसके आसपास कई समुदाय संघर्ष कर रहे हैं, यानी कि कम्युनिटी आज भी स्ट्रगल कर रही है इक्वालिटी लाने के लिए। सिर्फ भारत ही ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो फेस कर रही है ऐसी प्रॉब्लम, उसके अलावा अगर आप देखेंगे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एक कंट्री जिसमें अफ्रीकन अमेरिकन रहते हैं। पहले क्या होता था, जब अफ्रीका के लोगों को अमेरिका लोग एक दास बना के और एक सर्वेंट बना के लाते थे, तो उसके बाद जब उनकी पीढ़ी बढ़ती चली गई तो जब नया समाज आया ना उन लोगों ने अपने आप को अफ्रीकन अमेरिकन बोलना चालू करा, क्योंकि क्योंकि अफ्रीका के कुछ लोगों की शादी अमेरिकन से हो गई, अमेरिकन से होने के बाद जब उनके बच्चे पैदा हुए तो उन्होंने कहा कि हम तो है ना गुलाम है, हम तो क्या कहते हैं अफ्रीकन अमेरिकन है, तो हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है, क्योंकि अमेरिकन होते थे गोरे और अफ्रीकन होते थे काले। अब इंटरनेशनल सिनेरियो के अंदर हमें देखने को मिलता है कि जो नई पीढ़ी निकल के आती है अफ्रीकन और अमेरिकन की, उन लोगों ने इसका विद्रोह करना चालू करा। जैसे कैसे चालू करा, आप देखेंगे कि 1950 के दशक में होता क्या था पहले कि जो भी कोई भी श्वेत व्यक्ति होता ना, सफेद व्यक्ति यानी कि श्वेत व्यक्ति,
अगर बस के अंदर अगर कोई व्यक्ति काला व्यक्ति बस के अंदर बैठा हुआ है और कोई गोरा व्यक्ति यानी कोई अमेरिकन बस के अंदर चढ़ता है, तो उसको देख कर ना उस काले व्यक्ति को सीट खाली करनी पड़ती थी एंड देन वो दूसरा अमेरिकन बैठता था। क्यों? क्योंकि सिस्टम ही ऐसा बनाया गया था भेदभाव का कि कोई भी गोरा व्यक्ति आएगा तो वो व्यक्ति उसके लिए जगह खाली करेगा करेगा और फिर वो बैठेगा बैठेगा। तो ये सिस्टम 1950 से ही चालू था, और 1950 से चालू था तो उसके बाद एक बार पहली बार क्या हुआ कि जब सिविल राइट मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो उसके पीछे की हिस्ट्री क्या थी, ब्लैक एंड व्हाइट टुगेदर, ये साथ में आगे ब्लैक एंड व्हाइट। उन्होंने प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये हुआ था कि एक बार रोजा पार्कर करके एक अफ्रीकन अमेरिकन लड़की वुमन थी, इसने क्या करा, इसने 1 दिसंबर 1955 को ऐसा ही सीन हुआ, बस में बैठी हुई थी ये, और बस में जब बैठी हुई थी जब अश्वेत कोई व्यक्ति आया तो उसने उसको सीट खाली करने से मना कर दिया कि मैं नहीं हटूंगी। तो इस बेसिस पे आप देखेंगे कि एक सफेद आदमी को बस में अपनी सीट पेश करने से इनकार करने से अफ्रीका अमेरिका को असमान उपचार के खिलाफ भारी आंदोलन शुरू हो गया, और इस आंदोलन को बाद में नागरिक आंदोलन कहा जाने लगा, सिविल राइट मूवमेंट, इस हिसाब से बना सिविल राइट मूवमेंट। यानी कि पहले अफ्रीकन के लोगों से सीट खाली करनी पड़ती थी, लेकिन 1 दिसंबर 1955 में रोजा पार्क्स करके एक वुमेन थी, ये वुमेन आपको दिख रही होंगी, यही वुमेन थी जिन्होंने क्या कहते हैं मना करा कि भाई नहीं मैं सीट खाली नहीं करूंगी। इस बेसिस पे लोगों ने वहां पे आंदोलन करने चालू करे, और आंदोलन करने के बाद आप देखेंगे कि व्हाइट एंड ब्लैक लोग आपस में आ गए, और जितने भी व्हाइट सॉरी ब्लैक लोग थे जिनका नाम आप मार्टिन लूटर करके सुनते भी होंगे। फिर 1964 एक्ट आया, इस एक्ट के तहत क्या हुआ, इस एक्ट के तहत ये हुआ कि जितने भी काले लोग थे अश्वेत लोग थे यानी कि अफ्रीकन अमेरिकन लोग थे, बोल दिया गया है कि जाति धर्म राष्ट्रीय मूल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता है, और दूसरा ये भी तय किया गया कि जितने भी अमेरिकन और अफ्रीकन लोग हैं उनके एडमिशन जो बच्चे होंगे उनके एडमिशन भी प्रॉपर बेसिस पे होंगे, जो स्टडी अमेरिका के बच्चे ले रहे हैं वही स्टडी अफ्रीकन अमेरिकन के बच्चे भी लेंगे, क्योंकि हमारे कंट्री में क्या है, हमारी कंट्री में भी यही है। अगर जो लोग पिछड़ी जाति है दलित वर्ग के लोग थे अगर उनको शिक्षा का स्तर नहीं मिल रहा है तो हम लोगों ने कानून के तहत उनको शिक्षा का अधिकार दिया, हमने अपने मौलिक अधिकारों के अंदर इसको डाला। ऐसी इंटरनेशनल लेवल पर जब सिविल राइट मूवमेंट हुआ था तो सिविल राइट मूवमेंट के अंदर जब रोजा पार्कर ने ये पार्क्स ने ये कर दिया एक्शन, तो उसके बाद वहां पर एक एक्ट बना, बकायदा एक एक्ट बना, और एक्ट जो बना उसे 1964 एक्ट कहा जाता है। इस एक्ट में हुआ ये जितने भी काले लोग हैं उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, उनके जो बच्चे होंगे उनको वही सारी शिक्षाएं वही सारी वैल्यूज दी जाएगी जो वहां के स्थानीय लोगों को वहां के अमेरिकन लोगों को दी जाती थी। ठीक है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप देखेंगे इतने सारी चीजें होने के बाद भी आज की डेट में भी हमारे साथ लोकतंत्र के अंदर बहुत सी चुनौतियां हैं, लेकिन उसके लिए सलूशन के लिए हम लगे रहे, क्योंकि लगातार आप देखेंगे कई समुदाय और व्यक्ति लगातार जोर दे रहे हैं कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये खत्म। आप रियल लाइफ में देखेंगे कहीं ना कहीं आज की डेट में भी थोड़े बहुत भेदभाव होते रहते हैं, कभी न्याय को लेके, कभी शिक्षा को लेके, कभी रोजगार को लेके, बहुत भेदभाव आज के डेट में भी हैं, पर सरकार ऐसा नहीं है कि इनको खत्म करने का प्रयास नहीं कर रही है, सरकार कोशिश कर रही है कि धीरे 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 करके इन्हें खत्म किया जाए, लेकिन कुछ भी चीज जो है एकदम से सेटल नहीं हो पाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट इक्वालिटी, हमने पूरा इक्वालिटी का चैप्टर खत्म कर लिया है।